नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में जिस तरीके से कोरोना के दवाइयों और ऑक्सीजन के कालाबाजारी का मामला लगातार सामने आ रहा था, इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कालाबाजारी की खबरें निकल के सामने आ रही थी। कई जगहों से ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो ब्लैक मार्केटिंग करते हुए देखे गए थे, खबरें निकल के सामने आई थी। कोरोना से जुड़ी जो दवाइयाँ है, रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसके खास तौर पर ब्लैक मार्केटिंग जो है बड़े लेवल पर हो रहा था, दिल्ली पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाया है और इस ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए एक विशेष मुहिम बनाकर एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें ऐसे लोगों की पहचान की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी जिम्मेदारी मिली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो CP हैं नीरज ठाकुर, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और अब तक लगभग 400 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें 90 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार देश में अलग अलग हिस्सों से ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि कोरोना से जुड़े इलाज की जो दवाइयां हैं, उनसे जुड़े जो उपकरण हैं, उसकी लगातार कालाबाजारी हो रही थी। लोग ऐसे लोग भी थे जो हैं इस समय देश में जो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस मुसीबत के दौर में भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और कालाबाजारी के काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों पर दिल्ली की पुलिस की स्पेशल सेल ने सख्त कार्रवाई की है, जो ये दर्शाता है कि देश में अलग अलग हिस्सों में भी इस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो इस तरीके मुश्किल दौर में इस कालाबाजारी के काम को रोका जा सकता है। जब हमें अंदेशा हुआ कि कुछ तरह का क्राइम जो है, खासतौर पर ब्लैक मार्केटिंग, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, ये जब बढ़ने लगी, तो हमने तुरंत ये चीज़ कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के संज्ञान में लाए और उन्होंने पूरी दिल्ली पुलिस को साथ मिलाकर एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका का नाम रखा गया ऑपरेशन साइबर प्रहार। इसका नेतृत्व उन्होंने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, जिसे हम साइपैड कहते हैं, उसे दिया और इसमें तमाम ज़िले और क्राइम ब्रांच ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऑपरेशन के दौरान एक स्पेशल हेल्पलाइन भी जारी की गई और जो पहले ही हमारी एक साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाली हेल्पलाइन है, उसको भी अपस्केल किया गया। इन दोनों हेल्पलाइंस के थ्रू और ईमेल के थ्रू जो हमारे को कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई, तो उसमें पता चला कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, कुछ दवाइयाँ, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन बेड्स, इसके लिए जो है स्कैम काफ़ी जोर शोर से शुरू हो गए हैं। इस सब के मद्देनज़र हमने इसका एनालिसिस शुरू करा और एनालिसिस में पाया कि इसमें जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो दिल्ली के तो कम हैं, बहुत कम हैं। स्कैम करने वाले भारत के विभिन्न राज्यों में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो ये स्कैम कर रहे हैं। जब इसका एनालिसिस हमने CP साहब के सामने रखा, तो उन्होंने तुरंत ये जो अलग अलग राज्य थे, इनके DGP से बात करी और उनसे निवेदन करा कि इसमें जो है इनको पकड़ने में और इनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करने में वो दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। इसमें फिर अगला कदम जो था वो ये जो सारी कंप्लेंट्स आई थी, इनके एनालिसिस के बाद दिल्ली पुलिस में, थानों में, साइबर क्राइम सेल में और क्राइम ब्रांच ने बहुत सारे केस रजिस्टर करे। लगभग 400 के आसपास हमने केस रजिस्टर करे हैं और इन केसेस को रजिस्टर करके इनमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग हमने 90 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। इसमें जो बहुत एक हमें जो लगता है कि हमें एक सक्सेस मिली है, वो ये है कि इन केसेस के इन्वेस्टिगेशन में तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लगभग 60 लाख से ज़्यादा रुपया, जो चीटेड अमाउंट था, जो इनोसेंट लोगों से इन स्कैमस्टर्स ने जो चीट कर लिया था, उसको हम ब्लॉक कर पाए हैं। वो स्कैमस्टर्स के पास अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो ये हमें लगता है एक हमारी बड़ी उपलब्धि है और ये दिखाता है कि अगर हम एक प्रोएक्टिव तरीके से काम करें और तुरंत काम करें, तो स्कैमस्टर को जो है ये बेनिफिट करने से रोका जा सकता है। इसमें एक और जो हमने स्टेप लिया है कि लगभग 900 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनका कि हम ब्लॉक करने के लिए हम कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। तो इसमें जो है हमें विभिन्न राज्यों का भी काफ़ी सहयोग मिला है और इस सब कार्रवाई से हमको लगता है कि आने वाले अब कुछ दिनों में ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी कोरोना का फ़ायदा उठाकर ब्लैक मार्केटिंग की, तो इसमें जो है काफ़ी कमी आएगी।